हेलो दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बड़ों को पैरी पे होना, छोटों को मेरा प्यार। आज हम इसमें आपको बुलेट के बारे में रिव्यू देंगे। ये 2015 मॉडल है, क्लासिक 350। इसकी सीट चेंज हो रखी हैं, काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशन हो रखा है। अलॉय चेंज है, तांबे के क्लच एंड ब्रेक चेंज है, और ये भी चेंज है इसका, इसके आगे का ये भी चेंज करा रखा है, ये भी चेंज है। नीचे उधर की साइड से एक प्लेट लगती है, वो भी चेंज है। काफ़ी काम करा रखा है, साइलेंसर चेंज है, तो इसमें काफ़ी मोटा खर्चा किया हुआ है। ये बुलेट है मेरी, इसके पीछे से टू गायब हो रखा है। तो मैंने इसमें मार्कर से टू लिखा था। वो भी मिट गया। अब इसकी नंबर प्लेट चेंज करानी है। मैं बहुत कम चलाता हूँ, ज़्यादातर मोस्टली गाड़ी चलाता हूँ, तो ये बहुत कम चलाता हूँ। तो अभी निकाली थी, तो मैंने सोचा आपको इसका ओनर रिव्यू दे दूँ। ये है आपका 2015 लास्ट का मॉडल है। अभी ये चली है, देख सकते हो आप कितनी चली है, 26,626। अब मैं इसका ओनर रिव्यू देता हूँ आपको। बुलेट बहुत ही प्यारी गाड़ी है। इससे पहले मेरे पे स्कूटी थी, उससे पहले मेरे पे अपाची थी, तो इसमें मैंने फुल्ली मॉडिफिकेशन करा रखा है। क्लासिक अपने में ही ऑलराउंडर बाइक है, तो पहले भी ये महंगी थी, अब तो ये खैर और ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अब इसके रेट करीबन आपको शोरूम में जाएंगे तो ये क्लासिक का सबसे लोअर मॉडल आपको, लोअर क्या, क्लासिक में मॉडल आते हैं कलर के हिसाब से, थोड़ा हल्का बहुत चेंजेस है उसमें, प्राइस रेट में इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है हल्का। बाकी पहले जैसे हम बाइकें खरीदते थे तो उसमें अगर येलो कलर लेते थे तो वो 2,000 रुपये महंगा पड़ता था, क्योंकि मेरे पे येलो अपाची हुआ करती थी, इसलिए मेरे को ये बात पता है। बाकी इसके टैंक वैंक सब मैंने पेंटेड करा था, अब इसका पेंट काफ़ी डल हो चुका है, अब फिर से इसे रिपेंट कराऊँगा। इसके मैंने अभी सारे ये लॉक्स चेंज कराए हैं। तो बुलेट आप ले रहे हो तो मतलब आप हाथी पाल रहे हो एक। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप ना हाथी पालना है तो बुलेट लो। बाकी इसमें साइलेंसर पंजाबी ढोल की लगा हुआ है, इससे पहले इंदौरी ढोल की था, इंदौरी ढोल की हटा के मैंने इसमें पंजाबी ढोल की लगाया है। बाकी मेरे को 2-3 बार पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। बट छूट जाता हूँ मैं किसी ना किसी तरह। बैटरी इसकी बहुत कम हो गई है, क्योंकि मैं इसे चलाता नहीं। मैं आपको इसकी साउंड चेक करा देता हूँ। बाकी इसमें पंजाबी ढोल की लगी है, तो इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है पंजाबी ढोल की। साइलेंसर ये इलीगल है, मैं चेंज कराऊँगा, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा निकालता नहीं, इसलिए मैंने साइलेंसर चेंज नहीं कराया। बाकी इसके साउंड आप सुन सकते हैं, एग्जॉस्ट नोट, इसकी सर्विस आपको अराउंड अराउंड 3,000 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल ज़्यादा डलता है, 2.5 लीटर इंजन ऑयल डलता है। नॉर्मल बाइकों में 1 लीटर इंजन ऑयल में हो जाता काम, बट इनफील्ड में 2 लीटर तो मिनिमम डलता है, तो 3 लीटर 2.5-3 लीटर इसमें इंजन ऑयल डलता है। बाकी इसकी सर्विस टाइम टू टाइम कराओगे जितनी, उतनी ये प्यार से चलेगी, उतनी प्यार से रहेगी। हर 3-4 हज़ार में किलोमीटर में इसकी सर्विस कराओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनफील्ड में। बाकी इसकी कुछ चेन नहीं है, केवल चेन सॉकेट पूरा नया डाला हुआ है, क्योंकि चेन 18,000 किलोमीटर बाद घिस जाती है, इसलिए वो उसे चेंज कराना पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं इसके हैंडल भी चेंज है, हैंडल राइजर वाले हैंडल लगा रखे हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं मुझे, क्योंकि ये मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा मोटा तगड़ा हूँ, इसीलिए इसके हैंडल भी मैंने चेंज करवा रखे हैं। उसका भी कलर निकल गया है। ये भी थोड़े पेंट कराने पड़ेंगे, तो हो जाता है 5-6 साल 6-7 साल जब आपकी बाइक को हो जाते हैं तो उसकी कंडीशन थोड़ी पुरानी हो जाती है, तो आपको चमका के रखनी पड़ती है। बाकी एक हाथी है। बाकी आपका एवरेज के मामले में थोड़ा हुआ है, बट लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, लॉन्ग राइड बहुत प्यार से दे देती है। अगर आपने एक बार सर्विस करा दी है, उसके बाद आप लॉन्ग राइड पे निकल रहे हैं,
तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बुलेट ऐसी गाड़ी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।